वेलकम है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे लूना के बारे में, लूना क्लासिक के बारे में और बाकी कॉइन्स के बारे में जो लूना फैमिली से जुड़े हुए हैं। जैसे कि आप सबको पता है, 5 कॉइन्स आते हैं लूना फैमिली में जो आपस में ही जुड़े हुए हैं। पूरी की फैमिली जो है लूना कॉइन्स की, वो कहीं ना कहीं पूरी फैमिली डाउन चल रही है। 40% 50% डाउन चल रही है लूना, 20-25% डाउन चल रहा है लूना क्लासिक, ठीक है। और जहां तक हाई लगाया था लूना क्लासिक ने, वहां से पूरा जो है आधा हो चुका है। 0.00029 पे चल रही है सीरीज डॉलर्स में। और अगर हम लूना की बात कर लें, नई लूना की, वो $2.9 पे आ चुकी है। तो ऐसा क्यों हो रहा है मार्केट के अंदर, फिर से कुछ ऐसा हो रहा है लूना को लेके, कहीं वो वाले दिन फिर से ना देखने पड़ जाए, ठीक है। और वो वाले दिन मुझे नहीं लगता कोई भी देखना चाहेगा जिस टाइम पे लूना ने अपना क्रैश दिखाया था। वो एक बैड टाइम कहेंगे मार्केट के लिए। और लूना क्रैश का इम्पैक्ट उस टाइम पे मार्केट पे भी पड़ा था, मार्केट भी क्रैश हुआ था। आपको पता है सीपीआई डेटा ने मार्केट का क्या हाल किया है, नंबर ज़्यादा आए तो सीपीआई डेटा से मार्केट डाउन चल गया। लेकिन आज जो न्यूज़ सेपरेट हो रही है वो काफ़ी बड़ी है लूना को लेके। जो फाउंडर हैं, जो सीईओ हैं डूकॉन टेराफॉर्म लैब्स के, वो यहाँ पे उनके लिए जो है एक वारंट इशू कर दिया गया है साउथ कोरियन कोर्ट की तरफ से। जी हाँ, और ये जो वारंट है ये है अरेस्ट वारंट, ठीक है। काफ़ी टाइम के बाद जब ये क्रैश हुआ है, उसके बाद रिसेंटली काफ़ी टाइम के बाद डूकॉन का एक इंटरव्यू भी हुआ, उसके अंदर उन्होंने और चीज़ें यहाँ पे बताई क्या कुछ हुआ। लेकिन फाइनली जो साउथ कोरियन गवर्नमेंट है अब एक्शन ले रही है डूकॉन के ऊपर, क्योंकि भैया इतना बड़ा क्रैश था, $40 बिलियन की मार्केट कैप की क्रिप्टो करेंसी थी, वो पूरा मार्केट कैप ही साफ हो गया $40 बिलियन। बहुत सारे लोगों को बहुत बड़ा लॉस मिला। फिर भी लूना फैमिली काफ़ी अच्छा पंप कर रही थी अगर आप देखोगे पिछले वीक में, तो बहुत सारे लोग फिर से लूना को हाई प्राइस पे खरीद रहे थे। फोमो होता है, कोई भी कॉइन पंप करे फोमो होता है, ठीक है। लूना क्लासिक ने अच्छा पंप दिखा दिया 500-700% का, फोमो होता है कोई भी कॉइन हो कि ये और ऊपर जाएगा। लेकिन आपको एक चीज़ हम काफ़ी टाइम से ही कह रहे थे कि लूना फैमिली अभी भी रिस्की फैमिली है, रिस्की एसेट्स की कैटेगरी में रखते हैं हम इसको अभी भी। भैया जो इतना बड़ा क्रैश दिखा सकती है वो दोबारा भी दिखा देगी, दोबारा दिखाने में आपको और दिख भी रहा है, 40-50% दिख भी रहा है। भले ही यहाँ से प्राइस फिर से बाउंस बैक हो सकते हैं, लेकिन जिसको लॉस मिला है लूना से वो कभी भी वापस लूना में नहीं जाएगा, ठीक है। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि फोमो के चक्कर में, चाहे लूना क्लासिक क्यों ना हो, वो भी लूना फैमिली की है, ठीक है। चाहे लूना हो, चाहे USTC हो, चाहे लूना क्लासिक हो, सब तीनों एक ही कॉइन है, एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो बिल्कुल पूरा इम्पैक्ट पड़ेगा अगर डूकॉन जो फाउंडर हैं उनकी तरफ इतना एक्शन लिया जा रहा है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है लूना फैमिली के ऊपर। सारे ही कॉइन्स, मीर हो, एंकर प्रोटोकॉल हो, सभी डाउन चल रहे हैं, ठीक है। मीर थोड़ा सा पंप कर रहा है लेकिन डाउन होने वाला है वो भी, क्योंकि बैड न्यूज़ है। और यहाँ पे अरेस्ट वारंट तक जो है इशू कर दिया गया है, और कभी भी जो है यहाँ पे अरेस्ट हो सकते हैं डूकॉन, क्योंकि वो सिंगापुर में है और जो वारंट इशू हुआ है वो साउथ कोरिया में हुआ है। तो एक बैड न्यूज़ आ रही है मार्केट के अंदर लूना को लेके। अगर लूना यहाँ से और क्रैश होती है तो क्रिप्टो मार्केट पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इस अपडेट का, इस लूना क्रैश का। तो लूना से अभी दूर रहें, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। कोई और कॉइन्स पे फोकस करें, मार्केट डाउन चल रहा है और भी जा सकता है डाउन, तो थोड़ा सा दूर रहें लूना से। यही अपडेट थी, आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ होंगे। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।